समाने चल चल चुरा के लाया तुझ से समाने जिस समाने में पैदा हुए मुस्तफा उससे बेहतर जमाना किसी का नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपकी समातें ऐसी होंगी और इसी तरीके से आप सुनेंगे। माइक ऑपरेटर साहब जब मैं खिला रहा हूँ बिल्कुल माइक खड़ा कर रहे हिंदुस्तान में कहीं भी प्रोग्राम होगा सबसे पहले मैं माइक आपके बारे में मशवरा दूंगा। लेकिन माशाल्लाह आवाज इसकी और खोल दीजिए आप जहां तक सरसरा ना उनको पूरी ताकत दे दीजिए इंशाल्लाह। बहुत अच्छा माइक है हाजिर करता हूँ मुलाजा करें तो जैसे जमाने में पैदा दरअसल बात यह है कि आवाज उसमें बहुत खींच रही है। चैनल वालों का काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा लाइए अरे उसको जेब में रख लीजिए ऊपर वाले बेचारे Yeah.
काम करके दिखा रहे हैं। आइए जिस अज़ीमुल मर्तबत पैक करे इल्म-ए-इरफ़ान के लिए हम सब के निगाह तरस रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुश्किलों को मौलवी करम फरमा ताली जिन्होंने तरबियत सभी को चलना सिखाया, कलम पकड़ के लिखना सिखाया और ज़बान पे हरकत देके बोलना सिखाया, वो हज़रत मौलाना इज़राइल साहब का बरकात उनकी आमद आमद हो रही है। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद उनके बयान उज़्मा से मुस्तफ़ीज़ होंगे। प्रे माशाल्लाह जियो मेरे यूपी के अलावा बिहार में। आइए हजरात यहाँ से एक मुखड़ा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि तमाम लोगों की दुआएं मिलेंगी और यहाँ से इंशाल्लाह शिरकत करेंगे आप और यहाँ से आप लोग जुड़ेंगे इंशाल्लाह। ये कलाम ही ऐसा है कि आपके दिल को छू जाएगा इंशाल्लाह। हम सबके हरदिल अजीज हजरत मौलाना मुफ्ती इज़राइल साहब ज़ामत बरकातुहुम उलालिया जो हम सबके बिल्कुल मुहिब्बीन है, हजरत की आमद आमद हजरत करता हूँ, देखिएगा अंदाजा करें आप लोग बोल करके सुनेंगे, कितने लोग बोल करके नहीं सुनेंगे बोले बात उठाएं। माशाल्लाह कुछ लोगों ने जल्दीबाजी की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपका इश्क बोल रहा है। हाजिर करता हूँ मुलाजा करें देखिएगा बड़े माशाल्लाह ऐलान नबी है बड़ा ये का हाजिर करता हूँ भाई बड़े माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा। तो ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है, के ऐलान नबी है, के ऐलान नबी है, के फरमान नबी शायरी आपके दरमियान और नहीं हो सकती है, लेकिन आप जरा सा बेदार हो, जरा सा बेदार होंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। जियो के मोबाइल में टावर नहीं है, जियो के मोबाइल में टावर नहीं है, लगता है उलझाने वाले के छाती में पावर नहीं है। बोले सुभान अल्लाह, बोले मेरे बिहारी लाला मजल के सुभान अल्लाह, अरे एक बिहारी सो पर भारी, बोलो मजल के सुभान अल्लाह, एक यूपी वाला पूरे मजमा को हिला रहा है और हम बिहार वाले होकर के चुप है, मजल माशाल्लाह बड़ा पेशर। जितने वालिदैन हैं और जितने वालिदैन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनकी दुआएं मुझ तक पहुंचेंगी। हाजिर करता हूं मुलाजा करें कि बाप है जन्नत का दरवाजा, वो रूठे तो रब रूठा, बाप है जन्नत का दरवाजा, वो जिसे जन्नत, जिसे जिसे जन्नत।
मचल के बोले सुभान अल्लाह। और कुछ लोग अब तक इंतजार कर रहे हैं, ये नौजवानों से गुजारिश है बैठ जाइए, अभी तो जनाब फैसल नशीदी अपने औकात में नहीं आए हैं। मैंने वो भाई मजमा को देखा है कि सामाइन छोड़िए चादर और बटन नहीं लगाते, बल्कि ये सीना को चाक करते हुए देखा है, बल्कि ये सदरी को हवा में लहराते हुए देखा है। ये कंट्रोल और पावर जनाब फैसल नशीदी रखते हैं, बड़े माशाल्लाह। यकीन जानिए, बिल्कुल ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपको कह रहा हूँ, माशाल्लाह। खुदा की कसम, कल हम लोग जो है खड़गपुर में थे, बड़े भाई की निजामत थी और बहसियत शायर में गया, पूरी रात प्रोग्राम चला। अच्छा वो वाला शेर, हम लोग चल करके वो वाला शेर सुना दो जो एयरपोर्ट पे लैंडिंग कर रहा था, शेर आसमान से जहाज लैंडिंग करता, लेकिन वो शेर लैंडिंग कर रहा था, बड़ो माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ूंगा, हाजिर करता हूँ। जब कलकत्ता पहुंचा, वहां से भाई का सफर दूसरे तरीके से हुआ, मेरा सफर दूसरे तरीके से हुआ, दोनों लोग भागलपुर।